आगामी 11 से लेकर 13 जनवरी तक आयोजित होने वाले गोरखपुर महोत्सव की भव्यता को बढ़ाने के लिए पहली बार दिव्यांग जनों की प्रतियोगिता कराई जा रही है। इसी क्रम में रामगढ़ ताल स्थित नौका विहार के पास ट्रैक बनाकर दिव्यांग जनों की ट्राई साइकिल और व्हील चेयर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांग जनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी ली। इस आयोजन में CRC गोरखपुर और जिला प्रशासन की अहम भूमिका रही। इस दौरान मीडियाकर्मियों से बात करते हुए CRC गोरखपुर के निदेशक अरविंद कुमार पांडे ने बताया, जनों की बहुत ही सशक्त भूमिका है इस बार के गोरखपुर महोत्सव में। इसकी संकल्पना माननीय मंडलायुक्त महोदय के साथ मिलकर CRC गोरखपुर ने, जो भारत सरकार की एक संस्था है, ने की। और बहुत ही कम दिनों में हम लोगों ने, जो अभी आप लोग व्हील चेयर रेस देख रहे हैं, ट्राई साइकिल रेस होने वाला है और इसके साथ साथ बाल फिल्म महोत्सव है, एक अद्भुत साइन लैंग्वेज वाले बच्चों का कैटवॉक है, जो डिप बच्चे हैं उनका कैटवॉक है, और इसके साथ साथ इनॉग्रेशन में, जो मुख्य मंच पे इनॉग्रेशन होगा और जो वेलिडिक्शन होगा मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में, उसमें हमारे बच्चे जनगण मन भी कर रहे हैं। तो कुल मिला के गोरखपुर में ही नहीं, देश में CRC गोरखपुर ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गोरखपुर के साथ मिलकर एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज जो ये समारोह हो रहा है, जो कार्यक्रम हो रहा है, उसकी इतनी भव्यता है कि अब तक हजारों लोग इन बच्चों के साथ सेल्फी ले चुके हैं, फोटो खींच चुके हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग अपने आप उपस्थित